सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम इस वीडियो में माइंस रूल सीरीज़ जो चला रहे हैं उसका पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमिगत खान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति का मूल और आवर्ती जांच कब से लागू हुआ है, ये पूछा गया। इसमें जो IME और PME है वो कब से स्टार्ट हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 जुलाई 1979, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1980, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 1988, ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1990। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई 1988 से शुरू हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1988, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति का मूल या आवर्ती डॉक्टरी जांच होनी है तो उसे खान के मैनेजर द्वारा कितने दिन पूर्व पहले लिखित सूचना दी जाएगी? इस क्वेश्चन में बोला गया है यदि किसी व्यक्ति का IME या PME जांच होना है तो खान के मैनेजर द्वारा कितने दिन पूर्व उसको नोटिस दिया जाएगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी है 15 दिन, ऑप्शन सी है 20 दिन और ऑप्शन डी है 30 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 20 दिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से अपना PME नहीं करवा पाता है, उपस्थिति नहीं होता है, तो मैनेजर उसको फिर से कितने दिन का समय देकर दोबारा नोटिस देगा? ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 दिन, ऑप्शन बी है 10 दिन, ऑप्शन सी है 7 दिन, ऑप्शन डी है 15 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 दिन हो जाएगा। पहली बार जब नोटिस देगा तो 20 दिन पहले देगा, लेकिन यदि किसी कारणवश नहीं जा पाता है PME कराने तो वो दोबारा नोटिस देगा। मैनेजर कितने दिन पहले देगा? दोबारा 10 दिन पहले देगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांचकर्ता अधिकारी जो डॉक्टरी जांच के बाद शीघ्र ही उस व्यक्ति को किस फॉर्म में डॉक्टरी सर्टिफिकेट की एक प्रति डाक से भेजेगा? जब उसका PME हो जाएगा तो डॉक्टर जो है कौन से फॉर्म में उसको रिपोर्ट देगा, यह पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है फॉर्म जे, ऑप्शन बी है फॉर्म पी, ऑप्शन सी है फॉर्म ओ और ऑप्शन डी है फॉर्म के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्म ओ में एग्जामिनेशन के बाद रिपोर्ट जो है वो दिया जाता है, फॉर्म ओ, याद रखिएगा फॉर्म ओ में रिपोर्ट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खान में कर्मचारियों की नियुक्ति के समय कार्य स्थलों में ध्वनि स्तर कितने से अधिक होने पर उसके मेडिकल जांच में श्रवण शक्ति की भी जांच की जाएगी? इस क्वेश्चन में बोला गया है खान में जो वर्कर्स काम करते हैं तो जो उनका वर्किंग प्लेस है उसमें जो ध्वनि का स्तर है, नॉइज लेवल, वो कितना से अधिक होने पर जब मेडिकल होगा उनका तो उसमें श्रवण शक्ति की जाँच भी होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 80 dB से ज़्यादा, ऑप्शन बी है 90 dB से ज़्यादा, ऑप्शन सी है 110 dB, ऑप्शन डी है 120 dB। डीबी का मतलब यहाँ डेसिबल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 dB से ज़्यादा होगा तो जब मेडिकल होगा तो श्रवण शक्ति का उनका जो स्तर है वो भी जाँच किया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी किया करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खान में नियुक्त किए गए सभी व्यक्तियों की डॉक्टरी जांच का जो रिकॉर्ड है खान का मैनेजर
उन व्यक्तियों के कार्यकाल में और उनके जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद कितने वर्ष तक अपने पास रखेगा। जो रिकॉर्ड है मेडिकल जांच का, यदि वर्कर जो रिटायर भी हो जाते हैं तो भी कितने साल तक अपने पास मैनेजर रखेगा, देखते हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष, ऑप्शन डी है 10 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 साल तक अपने पास रखता है। यदि कोई वर्कर रिटायर भी हो जाता है तो भी उसके रिटायर के बाद 10 साल तक रखेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी महिला की डॉक्टरी जांच उसकी अनुमति से कम कितने अन्य महिला की उपस्थिति में किसी पुरुष डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। यदि किसी महिला का पुरुष डॉक्टर जो है जांच करता है तो महिला की अनुमति होनी चाहिए और कम से कम एक महिला जो है उसके साथ में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को मूल या आवर्ती डॉक्टरी जांच में जांच करता सर्जन खान में काम करने के लिए अनफिट घोषित कर देता है तो डॉक्टरी सर्टिफिकेट मिलने के कितने दिन के अंदर वह व्यक्ति खान के मैनेजर के पास उस घोषणा के विरुद्ध अपील कर सकता है। यदि जो डॉक्टर है जांच करता है वो मेडिकल में अनफिट घोषित कर देता है किसी भी को, तो वो उसे लगता है कि मैं अनफिट नहीं हूँ, तो वो अपील कर सकता है फिर से री एग्जामिनेशन कराने के लिए मैनेजर के पास। तो मैनेजर उसको फिर से री एग्जामिनेशन कराएगा तो री अपील करेगा तो कितने दिन के अंदर री अपील कर सकता है वो। ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी है 20 दिन, ऑप्शन सी है 30 दिन, ऑप्शन डी है 60 दिन। कितने दिन पहले री अपील करेगा पुनः जांच के लिए, 30 दिन पहले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 दिन। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा पुनः डॉक्टरी जांच की अपील मिलने के कितने दिन के अंदर मैनेजर उस व्यक्ति की जांच अपीली मेडिकल बोर्ड द्वारा कराने की व्यवस्था करेगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी है 30 दिन, ऑप्शन सी है 45 दिन, ऑप्शन डी है 60 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 15 दिन। री एग्जामिनेशन के लिए नोटिस कितने दिन पहले देगा, 15 दिन। अपील कितने दिन पहले किया वो, 30 दिन पहले अपील करेगा और मैनेजर जो है 15 दिन पहले उसे नोटिस दे देगा।